हेलो एवरी वन सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ योर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा था हमने स्ट्रक्चर ऑफ लीव फोटोसिंथेसिस ट्रांसप्रेशन के बारे में पढ़ा था ना और आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे हम रूट सिस्टम अबाउट शूट सिस्टम नॉन ग्रीन प्लांट और फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे ठीक है फर्स्ट आपका आता है रूट सिस्टम अब रूट सिस्टम क्या होता है वो सिस्टम जो हमारे रूट से बना है रूट क्या है हमारा रूट क्या है रूट वो पार्ट है हमारे प्लांट्स का जो सॉइल के अंदर ग्रो करता है यानी दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो अंडर द सॉइल ठीक है जो आपके ये रूट्स होते हैं ये बहुत अंदर तक जाते हैं सॉइल के ठीक है ये क्यों जाते हैं अंदर तक ये न्यूट्रिय के सर्च में वाटर के सर्च में अंदर तक जाते हैं अब हमारे कितने टाइप के रूट हैं टू टाइप के रूट्स हैं फर्स्ट वन इज योर टैप रूट एंड द सेकेंड वन इज़ योर फाइबरस रूट टैप रूट में क्या होता है एक मेन रूट ग्रो करता है हमारे स्टेम के एंड में और उस मेन रूट से बहुत सारे रूट फाइबर्स निकल के आते हैं फाइबरस रूट में क्या होता है एक हमारा क्या होता है नंबर ऑफ थिन एंड बुशी रूट्स अराइजेस यानी कि स्टेम जहाँ ख़त्म होता है वहीं से हमारे बहुत सारे थिन और बुशी रूट्स निकलते हैं ठीक है अब जब आप इनका डायग्राम देखते हो दोनों का तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये आपका क्या है मेन रूट है है ना जिसमें से ये क्या निकल रहा है रूट फाइबर्स निकल के आ रहे हैं और ये वाला जो है आपका फाइबरस रूट में ये सारा क्या हिस्सा है स्टेम हो गया आपका और यहीं से ये पतले पतले ऐसे धागेदार ठीक है जो रूट्स निकल के आ रहे हैं ये क्या है आपका फाइबरस रूट है ठीक है देन आता है आपका फंक्शंस ऑफ रूट रूट क्या काम करता है तो रूट क्या करता है आपका रूट आपके प्लांट को होल्ड करके रखता है सॉइल के अंदर पकड़ के रखता है ये आपको ये दिख रहे हैं ना ये सारे आपके रूट्स ये कहाँ हैं ये सॉइल के अंदर गए हुए हैं ताकि ये ग्रिप बना के रखते हैं कि हमारा सॉइल से प्लांट जुड़ा रहे दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिय फॉर द प्लांट फ्रॉम सॉइल ये क्या करते हैं ये वाटर और न्यूट्रिय को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट के लिए कहाँ से सॉइल से सम रूट स्टोर फूड कई ऐसे रूट्स होते हैं जो अपने अंदर फूड स्टोर करके रखते हैं कहाँ से आया फूड जो प्लांट है हमारा वो खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू खा पे लीफ में लेकिन जो एक्सेस फूड हो जाता है वो आपके अलग अलग पार्ट्स में जाके स्टोर हो जाता है जिसमें से आपका एक रूट भी है तो उन रूट को हम खाते भी हैं जिनके अंदर फूड स्टोर होता है वो कौन से हैं टर्नप है कैरेट है रेडिश है, है ये सारे आपके क्या है एडिबल रूट्स यानी एडेबल पार्ट ऑफ द प्लांट जिसको हम खाते हैं जो खाए जाते हैं ठीक है आप शलगम खाते हो कैरेट खाते हो रेडिस खाते हो ना सैलड में ठीक है देन कम्स टू योर शूट सिस्टम शूट सिस्टम किससे मिलके के बना है शूट से शूट क्या है वो प्लांट का पार्ट जो आपके सॉइल के ऊपर ग्रो करता है विच ग्रो अब ऑफ द सॉइल अब ऑफ द ग्राउंड ठीक है जो अलग अलग प्लांट्स हैं उनके जो स्टेम्स हैं वो वेरीज करते हैं ठीक है साइज में स्ट्रेंथ में यानी किसी का पतला है स्टेम किसी का मोटा स्टेम है किसी ज्यादा स्ट्रोंग है ठीक है तो ये अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग स्टेम होते हैं ठीक है अब जो ये सारा ऊपर का पोर्शन है यानी ये पोर्शन ये क्या है आपका शूट सिस्टम विच ग्रो आउट ऑफ द ग्राउंड और ये अंडर द ग्राउंड में क्या आता है आपका रूट सिस्टम शूट सिस्टम में क्या क्या आता है आपका लीफ आ गया आपके ब्रांचेस आ गए आपके बर्ड आ गए फ्रूट्स आ गए ये सारे आपके शूट सिस्टम में आते हैं देन कम्स टू फंक्शन ऑफ शूट कि शूट क्या काम करता है तो जो आपके स्टेम होते हैं जिनको हम शूट भी कहते हैं वो हमारे प्लांट को सॉइल के आउटसाइड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और जो बाकी के पार्ट्स होते हैं हमारे प्लांट के जैसे फ्रूट है फ्लावर है ब्रांचेस हैं लीफ है उसको ये बियर करता है यानी वहीं से तो निकलते हैं ना ये सारे चीज़ें इट सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है हमारे बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में से ठीक है जो हमारे सॉइल ने अब्जॉर्ब किया न्यूट्रिएंट और वाटर वो बाकी पार्ट्स तक कौन लेके जाता है स्टेम लेकर आ जाता है ठीक है ऑल्सो सप्लाइज फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट यानी जो खाना हमारे लीव्स में बनाया है वो बाकी के पार्ट्स तक कौन लेके जा रहा है वो हमारा स्टेम यानी शूट लेके जा रहा है कुछ ऐसे स्टेम्स भी होते हैं जिनको हम खाते हैं कौन से हैं वो जिंजर पोटैटो शुगर केन शुगर केन गन्ने का जूस पीते हैं ना आलू की सब्जी खाते हो जिंजर किस में आपके चाय में डलता है सब्जियों में डलता है, है ना तो ये सारे आपके एडिबल स्टेम्स हैं जिसको हम खाते भी हैं देन आपका आता है नॉन ग्रीन प्लांट तो क्या मतलब होता है नॉन ग्रीन प्लांट का इनको नॉन ग्रीन क्यों बोला गया है ठीक है तो नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या है वो प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल क्लोरोफिल नहीं होता जिन प्लांट्स में उनको हम क्या कहते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं अब क्लोरोफिल क्या था क्लोरोफिल इज योर ग्रीन पिगमेंट है ना जो हमारे लीव्स को प्लांट को ग्रीन कलर देता है जो सनलाइट को कैच करने में हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है अब जिस प्लांट में क्लोरोफिल ही नहीं है तो वो अपना खाना भी नहीं बना पाएगा इसलिए जो आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड ठीक है और इसी कारण वो अलग अलग मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं वो कौन से हैं हैंट्रोट्रॉपिक और सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिश हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है आपका कि जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए और सेप्रोट्रॉपिक में क्या होता है कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड एंड डी के मैटर पर डिपेंड करता है अब इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे तो फर्स्ट आता है आपका पैरासिटिक प्लांट पैरासिटिक नाम से पता चल रहा है ना पैरासाइट्स पैरासाइट्स क्या है जैसे हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं तो वो सारा न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी से ले लेते हैं हमें वीक कर देते हैं तो वैसे ही ये पैरासिटिक प्लांट जो कि आपका डोडर एग्जांपल है जिसका ये क्या करता है ये दूसरे लिविंग प्लांट के ऊपर ग्रो करता है और उससे सारा न्यूट्रियट एक्सट्रैक्ट कर लेता है ले लेता है ठीक है अब जिस लिविंग प्लांट के ऊपर ये ग्रो कर रहा है उसको हम कहते हैं होस्ट उसे हम कहते हैं होस्ट द होस्ट प्लांट ऑन विच दे ग्रो स्लोली बिकम डेट ठीक है और वीक हो जाता है वो धीरे धीरे वीक होता जाता है और फाइनली वो मर जाता है अब इस डायग्राम में देखो ये जो ऐसे लीव निकल रहा है ये आपका क्या होगा होस्ट प्लांट होगा जिसके ऊपर ये जो करली करली ऐसे हैं ये आपके पैरासिटिक प्लांट जी रहे हैं ठीक है उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं उससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं ठीक है देन आते हैं आपके इंसेक्टिवरस प्लांट इसके नाम में क्या आ रहा है इंसेक्ट तो ये अपना फूड किससे लेते होंगे इंसेक्ट से लेते होंगे जो, आप necessary... जो आपके इंसेक्टिवॉरस प्लांट होते हैं वो बहुत ही ब्राइट कलर के होते हैं ठीक है उनके ब्राइट कलर होने की वजह से जो इंसेक्ट है वो उनसे अट्रैक्ट करते हैं उनके पास आते हैं ठीक है आपके इंसेक्टिवॉरस प्लांट के एग्जाम्पल क्या है वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट ठीक है ये दोनों आपके क्या है एग्ज़ाम्पल ऑफ योर इंसेक्टिवॉरस प्लांट अब जब हमारा इंसेक्ट इन प्लांट्स के ऊपर बैठता है तो वो उसको जल्दी से क्विकली ट्रैप कर लेते हैं फंसा लेते हैं अपने अंदर ठीक है और जो इंसेक्ट है उसको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं किसकी हेल्प से जूसेस जो इन प्लांट के अंदर सिक्रीट होता है जैसे हम जब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है ना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है वैसे ही इन प्लांट के अंदर भी वैसे जूसेस होते हैं जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं ये आपका क्या है ये आपका पिचर प्लांट है एंड दिस इज़ योर वीनस फ्लाई ट्रैप ये देखो ये ओपन है ना अभी इसका ये माउथ अब जब यहाँ अंदर इंसेक्ट आया तो ये ऐसे बंद हो जाते हैं बंद हो गए तो इंसेक्ट क्या हुआ इसी के अंदर फंस गया और वो धीरे धीरे मर जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है जो ये जूस सिक्रीट करते हैं उससे ये पिच्चर प्लांट है ये वाला इसमें देखो इनके ये क्या है ये ऊपर लेड है ये यहाँ पे जब इंसेक्ट आएगा तो ये लेड ऐसे बंद हो जाएगा और इंसेक्ट इसके अंदर ही फंस के रह जाएगा देन कम्स टू सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सेप्रोट्रॉपिक क्या होते हैं और सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिएंट किससे लेते हैं डेड और डीके मैटर से यानी जो सड़े हुए और जो मरे हुए चीजें हैं उनसे लेते हैं ठीक है वो प्लांट्स जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं इसका एग्ज़ाम्पल क्या है मशरूम है इसका एग्जाम्पल है ना ये पिक्चर में भी दिख रहे होंगे अलग अलग काइंड ऑफ मशरूम तो अब हम मशरूम खाते भी हैं कुछ ऐसे मशरूम भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं जो खाने लायक नहीं होते तो मशरूम आपका किसका एग्जाम्पल है सेप्रोट्रॉप्स का सेप्रोट्रॉप्स क्या है जो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यूज करते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म लेता है किस से डेड और डी के मैटर से देन कम्स टू योर फूड चेन फूड चेन क्या है अ कॉन्टिन्यूस चेन वेयर प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बी वॉरस एंड हरबी वॉरस आर ईटन बाय कार्निवॉरस ऐसा चेन जिसमें प्लांट को कौन खाता है हर वॉरस खाते हैं और हर वॉरस को कौन खाता है कार्निवॉरस खाते हैं हर्विवॉरस कौन से एनिमल्स हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं कार्निवॉरस कौन है वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल के फ्लैश को मीट को खाते हैं मांस को खाते हैं जितने भी फूड चेन है वो किससे स्टार्ट होते हैं हमारे प्लांट से स्टार्ट होते हैं अब देखो ये वाला जो फूड चेन है इसमें क्या है ये कैरेट है कैरेट को कौन खा रहा है आपका रैबिट खा रहा है रैबिट को फॉक्स फॉक्स को फिर लॉइन खा रहा है है ना सेकेंड वाला फूड चेन इसमें आपका ग्रास है ग्रास को आपका इंसेक्ट खा रहा है देन इंसेक्ट को रैट खा रहा है देन रैट इज ईटन बाय स्नेक और स्नेक को हॉक खा रहा है फिर हॉक जब मर जाएगा उसकी बॉडी जब धीरे धीरे डिकम्पोज होगी तो उसको फिर डिकम्पोजर यूज करेंगे जो आपके मशरूम हैं सेप्ट्रोफाइड जो होते हैं वो उनसे न्यूट्रिशन ले लेंगे ठीक है तो फूड चेन इज अ कॉन्टिन्यूस चेन वेयर प्लांट्स आर ईटन बाय हर वॉरस एंड हर वॉरस आर ईटन बाय कार्नी वॉरस अब हम भी इस फूड चेन का एक हिस्सा है हम भी क्या करते हैं हम भी तो खा रहे हैं ना जैसे देखो अब जो इंसान नॉन वेजिटेरियन है मान लो उसने क्या किया गॉट है गॉट के इसको खाएगा वो प्लांट्स को खाएगा बकरी और बकरी को जो मीट खाते हैं वो बकरी का वो बकरी को खाएंगे ना ह्यूमंस तो हम भी क्या हैं एक पार्ट ऑफ फूड चेन ही हैं देन आता है आपका लास्ट कि जो आपके प्लांट है वो हमें अलग अलग तरीक़ों से हेल्प करते हैं जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए है ना प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है किसकी हेल्प से एनर्जी ऑफ सन की हेल्प से वो एनर्जी किस में यूज़ हुई हरवी वॉरस ने यूज़ की और जब हर्वी वॉरस को कार्निवॉरस ने खाया तो वो एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हुई कार्निवॉरस में हम एनिमल्स और जो ह्यूमन्स होते हैं ये प्लांट पे डिपेंड करते हैं किसके लिए ऑक्सीजन के लिए, लिए। ठीक है और बहुत सारे आपके मेडिसिनल प्लांट होते हैं जिससे हमें मेडिसिन भी मिलती है वुड मिलता है आपके जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करता है किस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपिरीशन के थ्रू पढ़ा था ना क्या है ट्रांसपरेशन वो प्रोसेस जिससे प्लांट अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर निकालता है किस पार्ट से लीव से लीव्स में क्या थे छोटे छोटे होल्स थे जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं स्टोमेटा से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाता है और ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जाता है ये इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा ठीक है तो जो प्लांट है वो हमारे लाइफ का बेस है बिना प्लांट के लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी अर्थ पे तो प्लांट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इसलिए हमें प्लांट ग्रो करने चाहिए वो हमारे इन्वायमेंट को हेल्प करते हैं पॉल्यूशन से लड़ने में ठीक है यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और अच्छे से ये टॉपिक रिवाइज कर लेना थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग मी